नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संपत राज लीलड़ और आप सभी का स्वागत। तो आज की C++ की वीडियो में हम पढ़ेंगे C++ स्ट्रक्चर के बारे में। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपके कंटेंट है वो आसानी से आपको क्लियर हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ये एक अलग अलग डाटा टाइप का कलेक्शन होता है। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना हो तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके अंदर जो है कई प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं, उनका एक कलेक्शन बनता है तब ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना हो, यानी अगर हमें प्रोग्राम में कहीं पर भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई काम करना हो तो वहाँ पे हम जो है स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। आगे आने वाले प्रोग्राम के अंदर हम जब है स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो वहाँ पे हम जो है स्ट्रक्ट के द्वारा उसको डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्ट ये एक एरे के समान ही होता है, यानी इस जो ये एक से ज़्यादा जो होता है कलेक्शन होता है तो उसके कारण जो है ये एरे के समान होता है। एरे सिमिलर डाटा टाइप्स का कलेक्शन होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन होता है, यानी इसके अंदर एक थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि एरे जो होता है वो सिमिलर डाटा टाइप्स होते हैं ना तो उनका कलेक्शन होता है, जैसे इंटीजर टू इंटीजर, कैरेक्टर टू कैरेक्टर, इस प्रकार से। लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रक्चर वो आपके डिफरेंट डाटा टाइप होता है, यानी इंटीजर से कैरेक्टर, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो डाटा टाइप उनके कलेक्शन होता है। स्ट्रक्चर में किए हुए हर वेरिएबल के डिक्लेरेशन को मेंबर कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर के अंदर के जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं उनको हम मेंबर के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर हर एक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है, यानी प्रत्येक जो मेंबर होगा उसको ये अलग प्रकार अलग जो मेमोरी होगी वो मतलब जो है उसको बांट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसका सिंटैक्स, यानी स्ट्रक्चर जो होता है उसको डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नेम, सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे, उसके बाद उस स्ट्रक्चर का हम क्या नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा टाइप और मेंबर का नाम, फर्स्ट सेकंड, ये इस प्रकार से हम जितने चाहे उतने मेंबर हम क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में आपके डाटा टाइप मेंबर हैं, यानी जितने आप मेंबर बनाने चाहते हैं वो बना दीजिए और लास्ट में इस ब्रैकेट को ऑफ करके सेमीकोलन लगा दीजिए। अब हम जो है एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि स्ट्रक्चर को किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम स्ट्रक्ट और यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम है एम्प्लॉय, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम ये सारा जो है नीचे क्रिएट कर रहे हैं। इंटीजर दिया मैंने डाटा टाइप और एम्प्लॉय आईडी जो है इस मेंबर का नाम है। उसके बाद जो है कैरेक्टर, यानी एक और मैंने जो है अलग ये आपके जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया, सॉरी डाटा टाइप डिक्लेयर किया, कैरेक्टर और एम्प्लॉय नेम यानी उसका मेंबर का नाम है, जिसके अंदर जो मैं है 30 जो वैल्यू है उसको स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो साइज है वो 30 डिक्लेयर की है। उसके बाद फ्लॉट सैलरी, यानी एम्प्लॉय की आईडी जो होगी इंटीजर प्रकार की होगी, एम्प्लॉय का नाम जो होगा वो कैरेक्टर प्रकार का होगा, और फ्लॉट सैलरी यानी सैलरी जो होगी वो फ्लॉट टाइप की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो प्रकार है, कौन कौन से, जब स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी जाती है तब वहाँ पर भी स्ट्रक्चर वेरिएबल को लिखा जाता है, और दूसरा है कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर भी लिखा जा सकता है। अब देखिए आप सिंटैक्स फॉर स्ट्रक्चर वेरिएबल आउटसाइड ऑफ स्ट्रक्चर डेफिनेशन, यानी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बाहर भी अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहे तो वो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आप स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नेम, उसके बाद जो है ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पे जो है हम जितने मेंबर को क्रिएट करना चाहते वो लिखे और ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल एस, यानी जो भी वेरिएबल है आपके वो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंतर्गत इसका एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट और एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय नाम का जो है स्ट्रक्चर है और उसका कीवर्ड है स्ट्रक्ट। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी को, एम्प्लॉय नेम और सैलरी को डिक्लेयर किया है इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लॉट टाइप का, और लास्ट में जो है मैंने यहाँ पे जो है इन्फो को यहाँ पे लिख के यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के मेंबर या एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर, यानी स्ट्रक्चर के जो मेंबर होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए आपके जो सिंटैक्स होगा कुछ इस प्रकार से होगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम, यानी स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल नेम है डॉट मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो मेंबर का स्ट्रक्चर है, और इजिकल टू वैल्यू, यानी ये ऑप्शनल मानी जाती है। अब इसका जो आपको एग्जांपल देखना है तो नीचे देखिए आप
info.employeeid, यानी इन्फो के अंदर से, यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर से जो है एम्प्लॉय आईडी है जो इज इक्वल टू 10, तो उसका डाटा जो है ये एक्सेस कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमने इस पॉइंट को क्लियर किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर के इनिशियलाइजेशन को। तो स्ट्रक्चर के मेंबर या एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, तो देखिए इसका फर्स्ट टाइप है आपके स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, यानी आपके जो यहाँ पे एम्प्लॉय है जो वो स्ट्रक्चर का नाम है और यहाँ पे स्ट्रक्ट जो है वो एक कीवर्ड है। अब इसके अंदर जो है मीन टीचर, एम्प्लॉय आईडी, कैरेक्टर, एम्प्लॉय नेम और फ्लोट प्रकार की जो है सैलरी रहेगी, ये हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे। यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ किया, सेमीकोलन, इंटीजर मेन, यहाँ पे एक मेन फंक्शन ऑन आ रहा है इंटीजर टाइप का। इसके अंदर जो है ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इन्फो, यानी एम्प्लॉय की इन्फो को मैं यहाँ पे वापस स्ट्रक्चर का नाम डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैं वैल्यू को, मतलब जो भी एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे इन्फो डॉट एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू 34। यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड जो वैल्यू होगी वो एक्सेस हो जाएगी। एसटीआर कॉपी, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने कुछ पिछले एग्जांपल्स के अंदर देखा था, मतलब जो भी मैंने पिछले वीडियो अपलोड किए थे C++ से रिलेटेड, तो वहाँ पे हमने एसटीआर से रिलेटेड जो भी कमांड थे उसके बारे में देखा था। तो एसटीआर CPY का अर्थ होता है कि स्ट्रिंग को कॉपी करना, स्ट्रिंग से रिलेटेड जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने इसको जो पढ़ा था। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर इन्फो डॉट एम्प्लॉय नेम, यानी एम्प्लॉय का जो नाम है वो हम कॉपी कर रहे हैं। कौन सा नाम है? संपत राज। तो ये जो नाम वहाँ पे है उसको हम कॉपी कर रहे हैं। आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से जो भी नाम है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। इन्फो डॉट सैलरी इज इक्वल टू 20,000। तो यहाँ पे जो है मेरे पास 20,000 रुपये का जो भी सैलरी है मैं उसको यहाँ पे इन्फो के थ्रू जो है एक्सेस करके शो करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखे हैं कि दूसरा टाइप इसका कौन सा है। तो दूसरा टाइप में देखिए आप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, यानी ये स्ट्रक्चर का नाम है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, कैरेक्टर एम्प्लॉय नेम और फ्लोट प्रकार की जो है सैलरी रहेगी। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ऑफ करके इंटीजर मैन, यानी मेन फंक्शन के अंदर आ गया और यहाँ पे देखिए आप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इन्फो इज इक्वल टू 34 संपतराज और उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे हमने एक्सेस कर ली। यानी उसके अंदर जो हमने है अलग अलग प्रकार का डाटा टाइप डिक्लेयर कर रहे थे बार बार लिख रहे, तो वो डाटा मतलब जो फर्स्ट टाइप था ये सेकेंड टाइप है जिसके थ्रू हम जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज करके अपने जो भी एलिमेंट्स हैं मेंबर के उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आपके स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो है साइज ऑफ के साथ किस प्रकार कार्य करता है, स्ट्रक्चर वर्किंग विद साइज ऑफ। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के मेंबर अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है और पूरा स्ट्रक्चर का साइज उनके मेमोरी के जितना ही मेंबर के जितना ही होता है, यानी जितने उनके मेंबर होगा उतने ही जो उनके स्ट्रक्चर का जो साइज होगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसके आधार पर जो है हम इस साइज ऑफ को मतलब स्ट्रक्चर के साथ किस प्रकार कार्य करता है उसको हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं एक यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम हैज इंक्लूड iostream.h और string.h, यानी स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी काम करने हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है string.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे देखिए आप यूजिंग नेमस्पेस std और यहाँ पे जो है स्ट्रक्ट मैं किस प्रकार का बना रहा हूँ, एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय नेम है जो एम्प्लॉय जो है एक स्ट्रक्चर का नाम है। यहाँ पे देखिए आप एम्प्लॉय आईडी, कैरेक्टर एम्प्लॉय नेम यानी इंटीजर प्रकार की आईडी और कैरेक्टर प्रकार का उसका नाम रहेगा और सैलरी जो रहेगी वो फ्लोट टाइप की रहेगी। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन के अंदर आ गया मैं इंटीजर मैन, ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एम्प्लॉय इन्फो, यानी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन जो है मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का नाम है एम्प्लॉय इन्फो और स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। अब मैं प्रिंट क्या करवाना चाहता हूँ, सी आउट साइज ऑफ एम्प्लॉय आई डी इज और यहाँ पे साइज ऑफ इन्फो डॉट एम्प्लॉय आई डी, यानी एम्प्लॉय आई डी की जो इन्फॉर्मेशन है वो साइज ऑफ के थ्रू मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए आप साइज ऑफ एम्प्लॉय आई डी, मैंने यहाँ पे कमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फो एम्प्लॉय का नाम भी इस प्रकार से एक्सेस करूंगा, एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो भी इस प्रकार से मैं शो करवाऊंगा और एम्प्लॉय का जो स्ट्रक्चर है इनको भी मैं इस प्रकार से साइज ऑफ के थ्रू जो है शो करवाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है आप साइज ऑफ का यूज करके प्रोग्राम के आउटपुट के दौरान जो है आप उनकी इन्फॉर्मेशन को शो करवा सकते हैं। चलिए अब इस प्रोग्राम को अगर मैं जो है कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू यदि रन करता हूं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ इस प्रकार से जो है उसका आउटपुट शो होगा। तो देखिए साइज ऑफ एम्प्लॉय आईडी इज 4 byte, साइज ऑफ एम्प्लॉय नेम इज 20 byte, साइज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी इज 4 byte और साइज ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर इज 28 byte। यानी आपने देखा होगा कि साइज ऑफ हम किस लिए यूज कर रहे हैं कि आपके जो भी जितना मेंबर का जो साइज है वो यहां पर या उस
डाटा का जितना साइज है वो स्क्रीन के ऊपर हमें शो करवाना है। तो एम्प्लॉय की आईडी का जो साइज था वो हमने इंटीजर प्रकार का डिक्लेयर किया था, यानी 4 बाइट का आपके इंटीजर होता है। उसी प्रकार हमने कैरेक्टर यूज किया था वहां पे, तो वो 20 बाइट का हो गया। उसी प्रकार से जो है एम्प्लॉय की सैलरी फ्लोट, फ्लोट का जो डाटा टाइप होता है उसका जो साइज होता है वो आपके 4 बाइट का होता है। और साइज ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर यानी इस पूरे स्ट्रक्चर का साइज कितना है, तो 20 प्लस 4 प्लस 4, तो यहाँ पे टोटल इसका साइज हो जाएगा 28 बाइट। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो ये जो था आपके आज का वीडियो, अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद।